कुल्लू जिला के सभी मंदिरों में चैत्र नवरात्रों और हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। यहां श्रद्धालुओं ने दूर दूर से आकर माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। आज हमारा 20वर्षीय हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है और हर वर्ष नव वर्ष के दिन इसी दिन नए संवत के दिन जो है हमारा अपना स्थानीय देवता क्षेत्रपाल थान जो है अपने रथ में सज धज कर लाव लश्कर के साथ निकलता है और एक मेला आयोजित होता है जो कि हमारे ग्रामीण स्तर का होता है। और आज के दिन में जो हमारे व्यंजन जो है परोसे जाते हैं उसमें सबसे बड़े पहले तो मीठा हमारा हलवा बनता है और हलवे के साथ जो हमारा लोकल डिश चिलड़े बोलते हैं चिलड़े भी बनते हैं और एक हमारा नई डिश होती है लोकल ही जिसको हम लेवरा बोलते हैं, उसमें आटा और गुड़ को मिक्स करके बनाया जाता है और सभी गांववासी जो है इसका आनंद लेते हैं। और शाम को देवता जो है अपने रथ के साथ एक मेला गांव स्तर पर होता है और उसका आयोजन होता है और उसके बाद अपने भंडार वापिस आता है। देवता ने जो है हमारे इस साल की जो फसल के बारे में जो बताया हुआ है तो वो अच्छी फसल बताया है कि इस बार दोनों फसलें अच्छी होंगी और बारिश को भी ठीक ही बताया है जिसमें कि लोकल लैंग्वेज में बोलें तो औठमा रूढ़ मतलब कि टाइम टाइम पे बारिश होगी, टाइम टाइम पे धूप भी खिलेगी। और साथ में जो हमारे फसल के बारे में बताया तो वो भी अच्छी होगी और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सबको नए संवत की शुभकामनाएं। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।